रायपुर में मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने विधानसभा बजट सत्र पर बात की, साथ ही बीजेपी के चावल घोटाले वाले आरोप पर भी मंत्री भगत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 2007 में सत्यापन कराया गया था, उसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं किया, ना उसके पास डाटा है। 2017 में भी उन्होंने सत्यापन कराया था, उनका भी कोई डाटा नहीं है। हमने 2022 में इसका सत्यापन कराया और सत्यापन में पाया कि छत्तीसगढ़ में पीडीएस की संख्या है 13,393। साथ ही जिला प्रशासन कलेक्टर को कहा कि प्रक्रिया के तहत पीडीएस में गड़बड़ी होती है, एसडीएम उस पर केस रजिस्टर्ड करें। जोड़कर मूल प्रश्न तो उनका बनता नहीं था और पता नहीं किससे लिखवा करके दिए थे, उद्भुत हो नहीं रहा था, लेकिन इसके बाद भी कितने सीनियर सदस्य हैं और वो जानना चाह रहे हैं, तो उनको हमने बताया कि आपके समय जो वितरण व्यवस्था थी, जिस फार्मूले में करते थे कि M-2+3, इसके तहत जो वितरण होता था वो पिछले 2 महीने का स्टॉक का और इसके बाद उसके 1 महीने का और बढ़ा करके जोड़ करके इनके समय में ये नियम 2014 आसपास लोगों ने बनाया था और लगातार ये वितरण हो रहा था। इन लोगों ने कभी भी सत्यापन किया और उसका कितना गड़बड़ी पाया गया उसको डिक्लेयर नहीं किया। इन्होंने 2007 में सत्यापन कराया था, उसमें कोई इन्होंने डिक्लेरेशन नहीं किया, ना उनके पास कोई डाटा है। 2017 में भी इन्होंने सत्यापन कराया, उसका भी कोई डाटा इनके पास नहीं है। हमने 2022 में इसका सत्यापन कराया और सत्यापन में हमने पाया कि जो छत्तीसगढ़ में जो पीडीएस की संख्या है 13,392 है, और जब इसका स्टॉक का सत्यापन हुआ तो पता चला कि 4,952 उचित मूल्य दुकान में शॉर्टेज पाया गया है और उसकी संख्या है 41,975 टन चावल। उसमें प्रथम दृष्टा पाया गया कि गड़बड़ी हुई है, इसमें जो गड़बड़ी है उसमें एक तो तकनीकी त्रुटियां हैं, डेटा का अपलोड ना होना है, वास्तविक रूप से अनियमितता भी की गई है आदि कारणों का जिला प्रशासन को, कलेक्टर को हमने कहा है कि